टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ले जा रही है 3 ओपनर्स की टोली, पर ओपनिंग असल में कौन करेगा, रोहित शर्मा, केएल राहुल या विराट कोहली? ये जो आप हर बार करते हो गुलजार साहब, शर्मा जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं लिख पाता। पर टीम इंडिया की ओपनिंग कौन करेगा, इसमें भी शर्मा रहे रोहित शर्मा इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि विराट कोहली ओपन करेंगे, केएल राहुल ओपन करेंगे, रोहित शर्मा तो ओपन करेंगे। उन्होंने कहा भाई देखो, कप्तान होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, थोड़ा सा शर्मा जाए अच्छा भी लगता है। उनका नाम भी रोहित शर्मा है, वही तो बात है। लेकिन जो वाइस कैप्टन होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खाम खा की पोजीशन होती है, इसलिए आके वो चौड़ में बोल जाते हैं मैं क्या करूं, बैठ जाऊं। टीम इंडिया का जो इस टाइम पर जो वाइस कैप्टन है, उनका रोल वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब डिस्कस कर लेते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बढ़िया टी20 ओपनर कौन है। तो केएल राहुल बहुत ही बढ़िया टी20 ओपनर है, ऐसा आईपीएल के स्टैट्स कहते हैं। केएल राहुल बहुत बढ़िया टी20 ओपनर है, ऐसा सिलेक्टर्स भी कहते हैं। केएल राहुल बहुत बढ़िया ओपनर है, ऐसा आथिया शेट्टी भी कहती है। केएल राहुल बहुत बढ़िया ओपनर है, उनके ससुर जी भी कहते हैं, करके खोल देते हैं। पर केएल राहुल के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं जब वो टी20 में आकर बैटिंग करते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि हर रिकॉर्ड कुछ कहता है, हर रिकॉर्ड कुछ कहता है। और वो ये कहते हैं कि भैया, हमने जितना भी ओवरऑल जो हम बैटिंग करते हैं, हम बहुत बढ़िया क्लासिक प्लेयर हैं, हम जब खेलते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन 2022 हो या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड हो, दोनों ही रिकॉर्ड कोई फायदा नहीं है। आप जो इतना कुछ बोल रहे हो ना, वैसे एक तो लोग हमें केएल राहुल हेटर बोलने लग गए हैं, लेकिन तब भी हाँ, आप जितनी मर्जी लॉजिक की बात कर लो, केएल राहुल नहीं सुन रहे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, मैं नहीं सुन रहा भाड़ में जाओ तो मैं नहीं सुन रहा। पर केएल राहुल क्यों नहीं सुन रहे, और उनके फैंस को भी सुनना चाहिए, क्योंकि हम बात तो लॉजिक की कर रहे हैं। अगले साल वो लखनऊ पे सेंचुरी मारेंगे, फिर बोलेंगे अब बताओ मैंने हेटर्स को जवाब दे दिया। अरे कहां दिया है जवाब, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलो। लखनऊ सुपर जायंट्स और टीम इंडिया में बहुत बड़ा अंतर है, ये बात अगर अभी आपको नहीं पता तो कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर 2022 के रिकॉर्ड्स की बात करें, तो विराट कोहली अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी हटा दी जाए, रोहित शर्मा और केएल राहुल, तीनों का ये रिकॉर्ड इतना बुरा है यार, अगर छोटी टीम के खिलाफ हटानी है तो फिर केएल राहुल की बैठ जाएगी। एक लौती बेचारी, वो 62 है, वो हाफ सेंचुरी, वो अगर वो भी नहीं देगी, बताइए रिकॉर्ड में क्या बचेगा। हाँ तो सॉरी, तो फिर हम खराब टीमों को हम वापस ले आते हैं, ताकि थोड़ा सा सम्मान बना रहे सभी प्लेयर्स का। पर मजाक की बात बहुत हो गई, सीरियस बताओ कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की ओपनिंग किसको करनी चाहिए? यार देखो, हम मजाक कर रहे हैं चल जाता है, जो सेलेक्टर्स मजाक कर रहे हैं उसका क्या। हाँ ये बात भी है, ओपनिंग अगर भैया विराट कोहली आते हैं, वो भैया ओपन वो भी कर सकते हैं। केएल राहुल को इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं लग रही है ओपन करने के लिए। अगर आपको शुरुआत होते ही पहले ओवर के अंदर 0-1 का स्कोर कार्ड चाहिए, यानी कि 0 runs फॉर द लॉस ऑफ 1 wicket, वो 1 wicket अगर आपको केएल राहुल बार बार देके जा रहे हैं ओपोनेंट टीम को, ऐसी शुरुआत से बेहतर है कि भैया किसी भी और बंदे को ट्राई कर लो। अगर ऋषभ पंत है आपके पास, वो ट्राई कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास विराट कोहली है अच्छे के लिए, वो ट्राई कर लो। आपको लगता है सूर्य कुमार यादव से ट्राई कराना, वो भी करा लो। कम से कम थोड़ा तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब हिम्मत सी बंदी रहती है। पर अगर केएल राहुल फॉर्म में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो काफी अच्छी बात है कि मतलब देखो विशफुल थिंकिंग है, अगर केएल राहुल बढ़िया फॉर्म में आ जाते हैं तो बढ़िया ही है टीम इंडिया के लिए। लेकिन इस टाइम तो वही बात है ना कि एंटीसिपेशन पे आप लेके जा रहे हो, शायद अच्छा कर लेगा तो आगे भी अच्छा कर लेगा। हाँ भाई देखो, एंटीसिपेशन पर तो लेकर जा रहे हैं, पर उस एंटीसिपेशन का क्या करूं। जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या विराट कोहली को ओपन करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ विराट कोहली, हम ज्यादा ओपनर्स तो लेकर जा नहीं रहे, 3 ही ओपनर्स हम लेकर जा रहे हैं। तो क्यों करा है फिर पीछे ओपन? मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ रोहित भाई, आपकी आंखें बंद थी क्या पिछले एक साल में? भैया सूर्य कुमार यादव ने भी ओपनिंग करी है आपके लिए, आपके लिए दीपक हुड्डा ने भी ओपनिंग करी है, आपके लिए ऋषभ पंत ने भी ओपनिंग करी है। मतलब अगर किसी ने ओपनिंग नहीं करी तो जसप्रीत बुमराह ने नहीं करी, नहीं हर्षदीप ने भी नहीं करी, हाँ, और भुवनेश्वर कुमार ने भी नहीं करी। well, बाकी तो सबने कर लिया, जहां तक एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा, ये भी शुरू हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि देखो 3 ही डेजिग्नेटेड ओपनर्स हम लेकर जा रहे हैं, इसलिए सबको बारी बारी दी जाएगी इस सीरीज में भी। भैया ये एक्सपेरिमेंट कब खत्म होंगे? देखिए ये जो है ना, मैं
मैं जस्ट वो कहते हैं ना बीइंग डेविल्स एडवोकेट, मैं रोहित शर्मा साहब की तरफ से कहूंगा कि देखो आप इतने एक्सपेरिमेंट जब करते रहोगे ना, हाँ। हम तो संभल जाएंगे, हाँ। सामने वाली टीम हमें पढ़ ही नहीं पाएगी कि हम कब क्या और क्या कर दें, मतलब वो है ना कि कीप द वो क्या गेसिंग गेम ऑन, कीप द प्लेयर्स गेसिंग, कीप द ओपोनेंट गेसिंग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइम पर कौन सा प्लेयर कहां से निकल कर आएगा। कसम से, मतलब WWE चल रहा है, अचानक से एक बीच में आ जाएगा रॉयल रंबल जॉन सीना आ रहा है, ट्रिपल एच आगे खड़ा हुआ, ये क्यों करते हो आ रहा मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी आ रहा यूं करते हुए, मैं रिजर्व्स में था, यू कांट सी मी पर उनको तो वैसे भी सिलेक्टर्स देख नहीं पा रहे, सिलेक्टर्स बहुत सारे लोगों को नहीं देख पा रहे, तो सिलेक्टर्स की बात नहीं करते, पर बात कर लेते हैं ओपनिंग की। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की ओपनिंग किसको करनी चाहिए, कौन डेजिग्नेटेड ओपनर होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, हम एक सेटल्ड 11 की बात कर रहे हैं, हम एक बैलेंस्ड 11 की बात कर रहे हैं, और अभी तक हमें नहीं पता कि हमारे ओपनर्स कौन हैं। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप तक ना जाते हुए अगर हम पहले ये बोलें कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होने वाली है, पहले यही देख लेते हैं कि जो तीन हमारे पास प्लेयर्स हैं डेजिग्नेटेड ओपनर्स, कि KL राहुल है, विराट कोहली, रोहित शर्मा है, इनके रिकॉर्ड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया कैसे रहे हैं, यही बता देंगे कि बुरे रहे हैं, इसको करना चाहिए। क्या 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 कह रहे हो? बुरे रहे हैं रोहित शर्मा के भी नहीं, विराट कोहली का कोई भी रिकॉर्ड बुरा नहीं, विराट कोहली को आप किसी भी रिकॉर्ड के पैरामीटर से उठा लो, विराट कोहली का रिकॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रोहित शर्मा और KL राहुल के जो रिकॉर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और ये सोचकर मेरे को ये टेंशन हो रही है कि यार इनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं हैं, इनके ओवरऑल इस साल के भी रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, तो ये जो 2022 का हम जो वर्ल्ड कप जीतेंगे ये किसके बलबूते जीतेंगे? श्रेयस अय्यर क्राइज इन कॉर्नर के सारे बिल मेरे नाम पे क्यों फटे फिर? हाँ, और श्रेयस अय्यर का तो रिकॉर्ड इस साल अच्छा था, क्या हुआ उन्हें छोटी बॉल दिखाई नहीं देती तो क्या हो गया, वो डक कर जाते और क्या, डक पे आउट हो जाते, दूसरे वाले प्लेयर तो डक पे आउट हो रहे। सुरेश राणा साहब कितने साल खेले हैं इसे? और वेल, मूविंग ऑन पर विराट कोहली का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। विराट कोहली ने 19 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और 718 रन बनाए हैं, 19 ही मैच रोहित शर्मा कप्तान रोहित शर्मा ने भी खेले हैं, और बताओ कितने रन बनाए, 318। 718 और 318 का आपको गैप दिखाई दे रहा है, छोटा सा तो है, 400 रन का छोटा सा तो है, 400 रन का गैप है भाई सेम मैचेस खेलकर रोहित शर्मा और विराट कोहली में, और ये फैंस लड़ किस बात पे रहे हैं? अभी हम बजने वाले हैं, पहले फैंस रन को छोड़ दो, अभी हम बजने वाले हैं। और KL राहुल ने सिर्फ 8 मैच खेले हैं और उन्होंने 205 रन बनाए हैं, उनका भी जो एवरेज है रोहित शर्मा से बेटर है, वो रोहित शर्मा से बेटर है, यानी कि रोहित शर्मा का ICC जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें उनका एवरेज थोड़ा खराब चल रहा है, T20 में अगेंस्ट पाकिस्तान उनका एवरेज थोड़ा खराब चल रहा है, सही कहा चल रहा है तो यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है यार। अब तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसे ये रिकॉर्ड जो हमने देख लिए, 2022 के भी रिकॉर्ड हमने देखे कि कैसे चल रहे हैं तीनों, हाँ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल कैसे रिकॉर्ड चल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है मुझे कि वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो डोमेस्टिक सीरीज होने वाली है वहां पे विराट कोहली तो ओपन कर रहे हैं, अब नहीं, अब रोहित शर्मा और KL राहुल को हटा देते हैं, उनके साथ ओपन कौन करेगा ये बताओ? नहीं, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और KL राहुल ही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि विराट कोहली को ओपनिंग आप किस वजह से दोगे? आप कहोगे कि KL राहुल ओपनिंग ठीक नहीं कर रहा, KL राहुल पलट कर कह दे भाई साहब और आप बढ़िया कर रहे हो, तो रोहित शर्मा क्या जवाब देंगे उनको? रोहित शर्मा बोलेंगे मैं कैप्टन हूँ, मेरी बैटिंग, तो वो कहेगा मैं भी वाइस कैप्टन हूँ, विराट कोहली नंबर 3 पर आएगा, तू अब लेजेंड्स को बताएगा पर कहने वाली बात यह है कि अभी जो अगर हम रोहित शर्मा और KL राहुल के साथ अगर हम ओपनिंग करते हैं तो हाल फिलहाल जो रिकॉर्ड उनका देखा जा रहा है वो कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं दे रहा यार। तो आपका क्या कहना है कि क्या होनी चाहिए टीम इंडिया का ओपनिंग पेयर? वैसे जब ये सवाल गौतम गंभीर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा नॉनसेंस, ये भी ठीक है, उन्होंने कहा नॉनसेंस, ये स्टूपिड है, ये बात, ये क्वेश्चन भी पूछना स्टूपिड है। मतलब मैंने कहा कि यार क्वेश्चन तो जेन्युइन है, उन्होंने कहा कि नहीं, KL राहुल और रोहित शर्मा को ही ओपनिंग करनी चाहिए, और अगर 10 ओवर तक ये दोनों टिके रहे, 10 ओवर अगर, तो विराट कोहली को नहीं आना चाहिए नंबर 3 पर, 10 बॉल तो नहीं कहा, नंबर 3 पर आना चाहिए सूर्य कुमार यादव को, मतलब विराट कोहली फिर मैं मान लूंगा एक बार को, चलो वो एक आधी पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव वैसे भी नंबर 3 पर जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर मुझे बताओ ये विशफुल थिंकिंग नहीं हो गई कि 10 ओवर तक KL राहुल और रोहित शर्मा रहेंगे? यार देखो, जब आपसे क्रिकेटिंग सवाल पूछा जाए, आप बहुत बड़े प्लेयर है मान लिया, लेकिन जब आपसे क्रिकेटिंग सवाल पूछा जाए आप नॉनसेंस जैसी बात करो, तो सर थोड़ी फॉर्म भी तो देख लो, मुझे डाउट होता है कि आप गौतम गंभीर हैं जेठालाल हैं नहीं, बट यू नो
गौतम साहब आप गंभीर आदमी हो, वो बात बढ़िया है, पर कम से कम आप एंड वी लव यू देख लो, एंड वी लव यू सर। धोनी भाई से अच्छी आपकी इनिंग्स थी वर्ल्ड कप फाइनल में, तो आज भी मानता हूँ 2007 में भी थी। हाँ बिल्कुल थी, ये तो सिर्फ 2011 कह रहा था, मैंने तो 2007 वाली भी बताई। 30 वही थी ना पहले। हाँ पर मैं बता रहा हूँ आप बहुत बढ़िया प्लेयर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर आना चाहिए, पर केएल राहुल और रोहित शर्मा की जो अभी की जो फॉर्म है उसमें वो 10 ओवर तक टिक पाते हैं या नहीं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। पहला माइलस्टोन 10 बॉल ही होना चाहिए। पर मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, अगर टीम इंडिया ने डिसाइड कर ही लिया है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनर्स हैं आपके, तो आप इनको ही मौका दो ना, आप विराट कोहली को बीच में लाकर आप क्या वो एक्सपेरिमेंट अभी भी क्यों एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? आई थिंक ये देखो मजाक से हटके बात ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। एक स्टेबिलिटी आपको जो देखने को मिलती है अक्सर वो नहीं देखने को मिल रही है, कि कहीं भी चीजें जो है फिक्स नहीं है, कहीं भी चीजें आपको ऐसे नहीं दिख रही है कि कोई प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कर रहा है कोई भी। यहां पे ऐसा लग रहा है कि बस चले जा रहे हैं, इट्स जस्ट अनदर मैच, इट्स जस्ट अनदर सीरीज, मतलब ऐसे लग रहा है कि बस ठीक है यार कर लेंगे, देखेंगे जो लाइफ लेके आएगी वो हम फेस कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ है। कोई तो करनी पड़ेगी ना यार जब जो भी लाइफ लेकर, पर आपका क्या जवाब है? व्यूअर्स हमारे जो हैं इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, कि अगर आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, क्या केएल राहुल और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए? रोहित शर्मा नंबर 3 पर नहीं आएंगे तो वो ऑप्शन में दे नहीं रहा हूं। ठीक है तो इनमें से क्या बेटर ओपनिंग प्लेयर है, या फिर आपको लगता है कि किसी प्लेयर को ड्रॉप किया जाना चाहिए, केएल राहुल को क्या लगातार मौके मिलने चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग टीम है उसमें से ही और दूसरे बंदे ऊपर ट्राई करने चाहिए, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, पर आपका जो भी कहना है वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अनकट पर इसी तरीके से जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, वो सारे क्रिकेट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो एबीपी अनकट को फॉलो करना मत भूलिए, हम सब जगह पर हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां हमें पाओगे। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें कर लेना, जल्दी ही आपको ट्विटर पे भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे भी तैयार रहिए। और T20 वर्ल्ड कप का तो बहुत खतरनाक कॉन्टेंट लेकर आएंगे हम, जहरीला कॉन्टेंट, जहरीला, बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। तो आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, देखते रहिए अनकट।